हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आर से ऑनलाइन क्लास क्लास 7। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर 3। टुडे वी आर डिस्कस चांस एंड प्रोबेबिलिटी। चांस और प्रोबेबिलिटी को हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है? मे बी और नॉट बी। डेली यूज में हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं कि टुडे इट मे बी रेन और नॉट, आज बारिश हो सकती है और नहीं भी हो सकती वाला जो केस प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब संभावना ही बताते हैं कि पॉसिबिलिटीज कि उस जो हमारे पास सर्टेन जो इवेंट है उसकी होने की संभावना और नहीं होने की संभावना कितनी कितनी है, तो वो कैसा आएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी। अब डेली एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं, देखिए जैसे हमारे पास दो टीम है, क्रिकेट की दो टीम, तो टॉस होता है, सिक्के से हम टॉस करते हैं, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो कोई भी दोनों टीम में से विनिंग टीम हो सकती है अकॉर्डिंग टू द चूजिंग। अब वो हेड सेलेक्ट कर रहा है या टेल सेलेक्ट कर रहा है, तो ये भी एक चांस हो, हेड या टेल। तो जितनी भी हमारे पास जो डेली यूज की एक्टिविटीज है वो सब केस हमारे पास क्या होगा? प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब सीधा सा होता है संभावना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट मीन्स इट मे बी और नॉट, मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो वो जो संभावना होती है मे बी और नॉट बी, वो सारे केसेस होते हैं हमारे पास चांस एंड प्रोबेबिलिटी। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी के अंदर हम फर्दर जो डिस्कस करेंगे आगे, वो है हमारे पास ट्रायल। ट्रायल क्या होता है? देखिए ट्रायल को समझते हैं। ट्रायल के अंदर हमारे पास या तो एक आउटकम आएगा या फिर सेवरल आउटकम आ सकते हैं। जैसे ट्रायल के एग्जाम्पल में हम टॉसिंग ए क्वाइन मान लो एक पॉइंट को हम टॉस कर रहे हैं, तो उसकी जो पॉसिबिलिटी है प्रोबेबिलिटी, वो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, हेड या टेल में से एक आ सकता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी 50-50% होगी हमारे पास कि मे बी और नॉट बी। तो दो टीम है हमारे पास, तो कोई भी एक टीम, जैसे मान लो एक ने सेलेक्ट किया है तो वो विनिंग टीम हो गया, दूसरा हमारे पास लॉसिंग टीम हो गया, तो एक विनिंग हो सकता है दूसरा लॉसिंग हो सकता है, तो मे बी और नॉट बी। तो ट्रायल के अंदर आउटकम एक भी आ सकता है और सेवरल भी आउटकम आ सकते हैं, तो वो कैसे हमारे पास ट्रायल के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल है क्वाइन, टॉसिंग एक क्वाइन, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अब हम डाइस की बात करते हैं। डाइस, लूडो, सांप सीढ़ी जो गेम खेलते हैं उसके अंदर एक टाई होती है, उसमें होते हैं हमारे पास 1-6 नंबर, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। डाइस को हम जैसे थ्रो करते फेंकते हैं, तो 1-6 नंबर में से कोई भी एक नंबर हमारा आउटकम आ सकता है। जो नंबर हमारे पास आते हैं, देखो जो भी नंबर हमारे पास आएगा उसे हम आउटकम बोलते हैं। अब देखिए 1-6 नंबर में से कोई भी एक नंबर हमारे पास आ सकता है, तो वो हमारे पास क्या होगा? आउटकम। लेकिन आएगा तो 1-6 भी, और कोई भी पॉसिबिलिटी क्या होगी? एक नंबर की पॉसिबिलिटी होगी, तो हमारे पास जो आउटकम आएगा, कोई भी एक नंबर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? आउटकम। अब जैसे क्वाइन को हमने टॉस किया, कोई भी एक चीज आएगी, हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है, तो वो उसको भी हम क्या बोलेंगे? आउटकम। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कोई भी हमारे पास इवेंट है उस इवेंट को डिनोट करेंगे प्रोबेबिलिटी से, इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सिंपल सा एक फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो आपको एक प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ आउटकम डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो आप इसमें देखिए नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम भी लिख सकते हो, जो भी आपका आ रहा है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम भी राइट कर सकते हो, या फिर नंबर ऑफ आउटकम्स ही है, पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जैसे आप क्वाइन की बात करें, अब क्वाइन को हमने टॉस किया तो इसमें एक आउटकम आएगा, हेड भी आ सकता है या टेल। फॉर एग्जांपल हेड आया आपका, तो इसका जो
हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी, ई से डिनोट करते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ई। क्वाइल के हमारे पास कैसे आउटकम वन आए और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है इसमें, टू, तो वन अपॉन टू हो जाएगा इस हेड, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, वन अपॉन टू। ऐसे हम डाइस की बात करें, डाइस की जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, देखिए फॉर्मूले से समझ, प्रोबेबिलिटी ई, ई से डिनोट किया, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स में कोई भी एक नंबर आएगा, आउटकम इज वन, कोई भी एक नंबर आएगा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हमारे पास, सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो डिवाइड में किसका डिवाइड करेगा, सिक्स का। तो ये सिंपल सा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, आपको इसको याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ई इक्वल टू, ई मीन्स इवेंट, कोई भी इवेंट हो सकती है, तो उसका जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द एक्सरसाइज अटेंड आप कर सकते हो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। अब देखिए ये तो है हमारे पास हैपन का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ई इवेंट, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और नॉट हैपन, जैसे ये हैपन जो आउटपुट आया उसका फॉर्मूला, और अगर मान लो जो लॉसिंग टीम है जो हार गया, नॉट हैपन, नॉट हैपन का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, ई बार से डिनोट करते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी को तो ई से, और नॉट हैपन को हम डिनोट करते हैं ई बार, इक्वल टू वन माइनस पी, जो हमारे पास हैपन प्रोबेबिलिटी है हमारे पास पी ई बार वन माइनस पी, इट मीन्स नॉट हैपन का जो फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू वन माइनस हैपन प्रोबेबिलिटी, वन में से क्या माइनस करना है आपको, पी जो आपके पास ये आया। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसी को कंसिडर करते हैं, वन अपॉन टू आया आपके पास हैपन, आपको नॉट हैपन फाइंड करना है पी ई बार, तो वन में से आपको क्या माइनस करना है, हैपन वन अपॉन टू, तो अपॉन टू वन नहीं तो एलसीएम से सॉल्व करेंगे इसका, टू एलसीएम टू माइनस वन, वन अपॉन टू दैट इज नॉट हैपन, पी ई बार से डिनोट करते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है नॉट हैपन का, पी ई बार इक्वल टू वन माइनस पी।